तो गाइस यार मैं चुका हूं नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय माइक्रोचिप के बारे में कि जय माइक्रोचिप क्या है, इसका हमारे फ्री फायर में क्या यूज है और आखिर हम इसे अपने फ्री फायर में कैसे यूज कर सकते हैं। क्यों गाइस अभी भी हमारे फ्री फायर में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें इस माइक्रोचिप के बारे में पता नहीं है। और गाइस कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि भाई इस पर वीडियो कब ला रहे हो, तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आ चुका हूं। और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके जय माइक्रोचिप को लेकर जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखना और फ्री फायर से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स हों उन्हें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो गाइस चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता ही होगा जुलाई 2021 में हमारे फ्री फायर में बी द हीरो नाम से एक इवेंट आया था जिसमें हमारे ऋतिक रोशन का एक करेक्टर लॉन्च किया गया था जिसका नाम जय रखा गया था। और गाइस ये करेक्टर सभी को बिल्कुल फ्री में दिया गया था, लेकिन गाइस कुछ कारणों की वजह से गरीना ने इस करेक्टर को अपने फ्री फायर से रिमूव कर दिया। लेकिन गाइस इस करेक्टर की एबिलिटी ऐसे प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी जो रश गेम प्ले करना पसंद करते हैं या फिर शॉर्ट गन का यूज करते हैं, इसलिए गाइस इस करेक्टर को रिमूव करने के बावजूद इस करेक्टर की एबिलिटी को नहीं हटाया गया और गाइस इस करेक्टर की एबिलिटी को ही जय माइक्रोचिप में दे दिया गया है। यानी कि गाइस कहने का मतलब है कि अगर आप जय करेक्टर की एबिलिटी को यूज करना चाहे तो आप इस जय माइक्रोचिप का यूज अपने करेक्टर में करके कर सकते हो। अब गाइस ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्टोर में चले आना है जिस तरह से मैं आ रहा हूँ और इसके बाद आपको अपने करेक्टर सेक्शन में टैप कर देना है। देखो यार यहाँ पर मैंने टैप कर दिया, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपनी माइक्रोचिप को ढूंढ लेना है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा माइक्रोचिप दिया हुआ है और गाइस मैं इसे ऑलरेडी ले चुका हूँ इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं ले सकता हूँ। और गाइस अगर आपने ना लिया हो तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से परचेज करना है, लगभग ये 8000 गोल्ड में मिल जाता है, यार मुझे ढंग से याद नहीं है, मैं अप्रॉक्स आपको बता रहा हूँ कि लगभग 8000 गोल्ड में मिलता है। ठीक है अब यहाँ से मैं परचेज तो कर चुका हूं, अगर आपने भी परचेज कर लिया है तो इसके बाद आपको कुछ भी करना नहीं है, यहां से आपको सिंपली कट करना है और यहां से ये जो आपको करेक्टर सेक्शन दिखाई दे रहा है सिंपली यहां पर आपको आ जाना है। ठीक है अब ये देखो यार यहां पर मैं आ चुका हूं। अब गाइस आपको कोई भी करेक्टर चूज कर लेना है। अब जैसे यार मैं यहां पर स्काइलर लिए हूं तो मैं स्काइलर में ही आपको बताता हूं। ठीक है अब यहां पर आप लोग देख सकते हो लास्ट एबिलिटी मेरा देखो जय का आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर फोर्थ नंबर में दिखाई दे रहा है और यहां पर ये देखो यार यहां पर रैगिंग रीलोड नाम से इसका एबिलिटी है और गाइस यही माइक्रोचिप है जो मैं यहां पर लगा रखा हूं। आपको करना क्या है, अगर आपको किसी भी करेक्टर में यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले उस करेक्टर को इक्विप करना है। जैसे मैं यहाँ पर जोता करेक्टर में अगर यूज़ करना चाहूँ, नहीं जोता छोड़ते हैं यार आलोक लेते हैं। ठीक है अब ये देखो यार मैंने यहाँ पर आलोक करेक्टर ले लिया। अब यहाँ पर देखो मैं फोर्थ नंबर में अगर लगाना चाहूँ अपना जय का एबिलिटी तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से आपको अपना माइक्रोचिप ढूंढना है। ठीक है यहाँ पर मैं अपना माइक्रोचिप ढूंढ लेता हूँ, अभी कहाँ गया, अरे ये है गाइस। ठीक है रैगिंग रीलोड नाम से आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आपको यहाँ पर टैप कर देना है। अब गाइस देख सकते हो यार यहाँ पर मेरा माइक्रोचिप लग चुका है। अब मैं इसका जैसे ही अंदर जाऊंगा गेम प्ले में तो इसका एबिलिटी यूज होने लगेगा और मुझको इसका बेनिफिट मिलने लगेगा। ठीक है अब गाइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि माइक्रोचिप अभी लेवल 1 का दिखाई दे रहा है। ठीक है अब यहाँ पर बात आती है कि भैया हम अपने करेक्टर का तो लेवल मैक्स कर लेते हैं आसानी से, इस चिप का लेवल मैक्स कैसे होगा, तो ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपली यार यहाँ पर आपको टैप करना है अगर आपको इसका लेवल मैक्स करना है। ठीक है अब यहाँ पर देखो यार आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है यहाँ पर रेड डॉट भी आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा, तो सिंपली यार यहाँ पर आपको टैप करना है अगर आप में हो। ठीक है अभी आपने परचेज कर लिया होगा तो आपको भी दिखाई दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस यहाँ पर देखो यार बिल्कुल वैसे ही आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जैसा हम किसी करेक्टर का लेवल मैक्स करते हैं। देखो यार यहाँ पर मैं इसका लेवल अप करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखो यार सिंपली मैं यहाँ पर लेवल अप पर टैप कर दिया हूँ और गाइस देख सकते हो यार यहाँ पर मेरा लेवल 2 का ये चिप हो चुका है। ठीक है अब मैं यार इसको धीरे धीरे देखो लेवल मैक्स कर रहा हूँ। देखो गाइस फिर से मैंने लेवल अप पर टैप कर दिया और ये देखो गाइस यार इसका लेवल अप हो रहा है। ठीक है तो अगर आप लोग को इसका लेवल अप करना हो तो भाई आप कर सकते हो। अब गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यार मैंने अभी तक इसका एबिलिटी तो आपको बताया नहीं और मैं इसका लेवल अप करे चला ही दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर यार सबसे पहले मैं इसका एबिलिटी आप लोग को बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर लिखा है आफ्टर नॉकिंग डाउन एन ओपोनेंट द गन्स मैगजीन ऑटोमेटिकली गेट्स रीलोड 30-39% ऑफ इट्स कैपेसिटी लिमिटेड AR पिस्टल SMG एंड SG। गाइज कहने का मतलब है जैसे आप किसी एनिमी को डाउन करोगे तो गाइज उसके बाद 36-39% तक जो आपकी मैगजीन है वो अपने आप रीलोड हो जाएगी। और गाइज इसका मैं मैक्स एबिलिटी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि अभी जो आप एबिलिटी देख सकते हो वो लेवल 3 का है। ठीक है
अब गाइज मैं आपको इसका मैक्स एबिलिटी भी दिखा देता हूँ। गाइज इसका मैक्स एबिलिटी देखने के लिए आपको ये जो आइकन दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है। और गाइज ऐसा नहीं है कि आप इसी बस चिप का देख सकते हो, गाइज आप यहाँ पर टैप करके किसी भी कैरेक्टर का मैक्स एबिलिटी बिना उसको मैक्स किए हुए देख सकते हो, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 यार इस तरह करते करते देखो लेवल 6 तक यहाँ पर दिया हुआ है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो लेवल 6 में दिखाई दे रहा है कि गाइज जब आप इसे मैक्स लेवल का कर लोगे तो गाइज जो आपकी गन होगी वो अपने आप 45% तक रिलोड हो जाएगी। और गाइज इस करेक्टर की एबिलिटी तब आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी जब आप 1v2 या 1v3 जैसी पोजीशन में फंस जाओगे। गाइज उस टाइम पर जैसे आप एक बंदे को डाउन करोगे वैसे ही आपकी गन फिर से 45% तक रिलोड हो जाएगी अपने आप, और आप फिर से दूसरे बंदे को नॉकडाउन करके तीसरे बंदे के ऊपर फायर कर सकते हो। तो गाइज वैसे मुझको इस करेक्टर का एबिलिटी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन गाइज मैं 1v2 और 1v3 यार खेलता ही नहीं हूँ इसलिए मैं इस करेक्टर को नहीं लगाता हूँ, लेकिन अगर आप लोग लगाना चाहो तो आप इसे लगा सकते हो। तो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जय माइक्रोचिप के बारे में जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। और गाइज अभी भी आपको अगर लगता हो कि भाई मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ दिया या फिर आपको कोई भी इस माइक्रोचिप को लेकर डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आओ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने एक टीम मेट के साथ शेयर भी कर देना। मैं आपसे मिलता रहूँगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।